माँ तरकुलहा देवी मंदिर पर प्रत्येक वर्ष लाखों श्रद्धालु माँ का आशीर्वाद पाने के लिए आते हैं और मुरादें मांगते हैं और माँ उनकी मुरादें पूरी करती हैं। चैत्र रामनवमी के अवसर पर बुधवार को श्रद्धालु माँ तरकुलहा देवी के मंदिर पर पहुंचे और पूजा अर्चना की। गौरतलब है कि तरकुलहा देवी का यह मंदिर कभी स्वतंत्रता संग्राम का भी एक प्रमुख हिस्सा रहा है। इस मंदिर के बारे में लोग बताते हैं कि मन से जो भी मुराद मांगी जाए वह पूरी होती है। इस बार COVID-19 के बढ़ते संक्रमण और सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन मंदिर प्रबंधन द्वारा भी किया जा रहा है। चैत्र नवरात्र में मंदिर में भक्त तो मां के दरबार में पूजा पाठ करने आए, मगर दूर दराज से आने वाले भक्तों की संख्या कम देखी गई। तरकुलहा माता मंदिर के मुख्य पुजारी दिनेश तिवारी ने बताया कि कोरोना महामारी की वजह से बहुत कम लोग ही मंदिर में पहुंचे थे। भक्तों ने माँ तरकुलहा देवी की पूजा अर्चना करते हुए प्रार्थना किया कि हे मातेश्वरी, जो इस समाज में संकट आया है उसको दूर कीजिए और अपना आशीर्वाद प्रदान कीजिए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए तरकुलहा माता मंदिर के मुख्य पुजारी दिनेश तिवारी ने कहा, दिनेश तिवारी। और चैत्र जो है चैत्र महीने का नवरात्रि का आज नौवां दिन है। यह हिंदू समाज का बहुत बड़ा पर्व है, लेकिन कोरोना महामारी की वजह से बहुत शांतमय और लोगों ने कोविड के नियमों का पालन करते हुए कम से कम ही बहुत मामूली लोग ही आए, और जो भी आए मास्क लगा करके आए और उचित दूरी बना करके माता जी के दरबार में, माता रही के दरबार में दर्शन किए और अपनी उनका आशीर्वाद प्राप्त किए। और इस भयावह महामारी को ख़त्म करने के लिए हम लोगों ने माता जी से विनती किया है कि हे मातेश्वरी, जो इस समाज पर मनुष्यता और पूरे समाज पर यह संकट आया हुआ, इस संकट को दूर करो और हमें आपका आशीर्वाद प्राप्त हो।